आज हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। मेजरमेंट के माने क्या होता है बेटा? पैमाइश, नाप तोल, सही है ना। तो ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक क्लास में। बात समझ में आ रही है? जैसे 9 में आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल किया होगा ना आप लोगों ने, यानी क्या था, उसी तरीके से मैट्रिक में भी है प्रैक्टिकल। तो मेजरमेंट में हम ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, किसी चीज़ की पैमाइश करना, किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना, सही है। ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ मैंने दिया आपको मालूम करने के लिए, बेटा इसकी लेंथ मालूम करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? स्केल से, है ना। स्केल इसके ऊपर लगाएंगे, टॉप में 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक 0 सेंटीमीटर से रखा, पास कर ले यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आपने बताया सर इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या हो गई, मेजरमेंट। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन डेली रूटीन लाइफ, द मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली रूटीन लाइफ। आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, आटा लेने के लिए गए भाई, दुकानदार से बोला भाई आटा दे दो, तो उसको बताना पड़ेगा, वो आटा तो दे देगा, ऐसे लेके मुंह पे थोड़ी मार देगा आटा। शादी ब्याह में होता है ना, बहुत सारी खातून ऐसा लगता है कि आटे के बोरी में मुंह घुसा कर आ गई हैं, अपने ही बच्चा पहचानने से इनकार कर दे रही है मेरी अम्मी नहीं है। और दुल्हन बनने से पहले कुछ और है, और दुल्हन बनने के बाद अपनी अम्मी अबू नहीं पहचान रही, कौन थी, मेरी बेटी नहीं है ये। तो जब आटा लेने जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 1 किलो आटा दे दो, 2 किलो आटा दे दो, 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो दे दो, 20 किलो आटा दे दो, 1 बोरी दे दो, बोलेंगे ना। तो उसको ये जाके नहीं बोलेंगे आटा दे दो, या तेल लेने जाएंगे या दूध लेने जाएंगे तो कभी भी जाके नहीं बोलेंगे दूध वाले को दूध दे दीजिएगा। तो आपसे पूछेगा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका यही होगा कि कितना किलो, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई 1 किलो दूध चाहिए, 1 पाव दूध चाहिए, 0.5 किलो दूध चाहिए, 2 किलो दूध चाहिए। आलू लेने गए बाज़ार में तो उसको ये नहीं बोलेंगे आलू दे दो, तो उसको पूरा बोलना पड़ेगा भाई 2 किलो आलू दो, 3 किलो आलू दो, 5 किलो आलू दो, 10 किलो। कपड़े वाले के पास जाएंगे, कपड़ा पसंद करेंगे तो बोलेंगे ये नहीं यार कपड़ा दे दो, पूरा थान उठा के दे देगा। फिर वो बताएगा नहीं आपको 5 मीटर लगेगा, 6 मीटर लगेगा, 4 मीटर लगेगा, जो भी है उस हिसाब से आपको उसकी कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। इसी तरीके से आप रोज़ाना के अतबार से जो आपके डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना। दिन का खाना खाना है 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बहुत सारे घरों में अलग अलग रूटीन है। कोचिंग जाने की टाइमिंग है, स्कूल आने की टाइमिंग है, सुबह 7 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं तो आपको स्कूल जाना है, तो घड़ी देखते हैं अभी हाँ भाई 7:30 हो रहा, 7:45 उठेंगे, 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि रात ही में ड्रेस पहन के सो जाते हैं कि सुबह उठ के कौन इतना ज़्यादा करेगा। मेरा भाई ऐसे ही था एक, अब सर्दी है सुबह बहुत सर्दी लगेगी, रात में ड्रेस पहन के सो गया, सुबह उठा हूँ आते पानी मारे, चलो भाई। तो इसके लिए भी आपको टाइम का ख्याल करना पड़ता है कि भाई 4:30 हो गया, चलो कोचिंग जाने का टाइम हो गया, 15 मिनट पहले से तैयार होना स्टार्ट है ना। तो आप देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं वो भी क्या होता है, यूनिट के हिसाब से।
कि भाई 50 यूनिट है, 100 यूनिट है, 150 यूनिट है, 250 यूनिट है, जैसे यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं वैसे ही आपका बिल आ रहा होता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेजरमेंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन जो है वो हम ये बोल देंगे भाई कि द कैलकुलेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ विड्थ, इन टर्म्स ऑफ एरिया, कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सिलेंडर का अगर हम उसका क्या मालूम कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, उसकी हाइट मालूम कर रहे हैं, उसकी लेंथ मालूम कर रहे हैं, उसके में जो है हम उसका वेट मालूम कर रहे हैं, उसका मास मालूम कर रहे हैं, उसका सरकमफेरेंस मालूम कर रहे हैं, उसका रेडियस मालूम कर रहे हैं, उसका डायमीटर मालूम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, दिस इज़ द, अभी तो समझाया मैंने, बात समझ में आ गई ना ये? तो मेजरमेंट जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट की हेडिंग लगा ली और लिखी का मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली रूटीन लाइफ फुल स्टॉप लाइन चेंज। बेटा गिलास पानी डालिएगा, जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश, गोली की तरह लिखना एकदम। मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली रूटीन लाइफ, यहाँ रख दें। नीचे रखें, मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली रूटीन लाइफ फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखिएगा, डेफिनेशन लिखा रहा हूं। मेजरमेंट कैन बी डिफाइंड एज मेजरमेंट कैन बी डिफाइंड एज फुल स्टॉप लाइन चेंज, द कैलकुलेशन ऑफ एनी बॉडी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, in terms of length, height, width, वॉल्यूम, कॉमा वेट, WEIGHT वेट, वजन वाला, कॉमा डायमीटर, कॉमा रेडियस, सरकमफेरेंस, ETC एटसेट्रा। लेट सपोज ये स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, इस स्फेरिकल बॉडी का बेटा ये वाला जो डिस्टेंस होता है, जो सेंटर से पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, ये हाफ ऑफ द डायमीटर क्या कहलाता है, ये इस वाले पॉइंट से लेकर के ये हाफ यानी कि सेमी सर्किल,
और फिर यहाँ से यूँ सेमी सर्किल, तो ये एक सर्किल कंप्लीट होगा, इसको हम बोलते हैं फुल सर्किल। तो इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बात समझ में आ रही है? अब ये कोई स्फेरिकल बॉडी कोई बॉब है, उसका वेट मालूम करना, ठीक है, उसकी हाइट, उसका डायमीटर, उसका रेडियस, सर्कमफेरेंस, उसका वेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में हम मालूम कर रहे होते हैं बेटा, मेजरमेंट में कर रहे होते हैं। नाम से एक चीज़ जाहिर है, मेजरमेंट यानी कि पैमाइश। तो अगर आपसे आप कोई पूछेगा तो आप इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना। तो मेजरमेंट का टर्म आपने पहले भी सुना हुआ था, ऐसा तो नहीं आज दुनिया में या ज़िंदगी में पहली मरतबा ये नाम सुन रहे हैं, मेजरमेंट कहाँ से पैदा हो गया भाई, पहले भी सुना है ना या नहीं सुना है, बात समझ में आ गई। अब मेजरमेंट के बाद हम आगे चलते हैं, तो उसमें एक चीज़ है, उस चीज़ का नाम है कि भाई मेजरमेंट में आखिर 1 मीटर जो है वो कितना होता है, व्हाट इज़ 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, फिर उसके बाद आखिर 1 kg भी है तो वो कितना होगा, 1 kg, सही है। फिर उसके बाद दुनिया में 1 सेकेंड भी है तो आखिर वो कितना होगा। जब बेटा दुनिया वजूद में आई तो लोगों को साइंस के इन्वेंशन के बारे में या साइंस के बारे में या इससे कोई भी लगाव नहीं था, बात समझ में आ रही है। एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, अब उसको किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि पानी क्या है, आग क्या है, ज़मीन क्या है, मिट्टी क्या है, आसमान क्या है, है ना, अम्मी कौन है, अब्बू कौन है, सही है, मेरा घर कैसा है, मेरे घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि उसको अपनी ज़रूरियात के बारे में भी इल्म नहीं होता। लेकिन ये कब पता लगता है, जब वो आहिस्ता 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 अपना टाइम निकालता है, बड़ा होता है, तो उसको अपनी ज़रूरियात के बारे में और लोगों के बारे में और घरों के बारे में और घर के माहौल के बारे में और दुनिया के माहौल के बारे में वो ऐसा ऐसा सीखना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से साइंस भी है, जब साइंस वजूद में आई तो साइंस को नहीं पता था कि आखिर ये 1 मीटर जो है वो कितना होगा, या 1 kg जो है वो आखिर कितना होगा, या 1 सेकंड के दौरान या जो टाइम होता है ड्यूरेशन, हम बोलते हैं 1 घंटा, 5 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूँ, या 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा या 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो आखिर इसके मायने जहन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं कि अगर कोई मेरे से बोलेगा हम 1 सेकंड में आ रहे हैं तो मेरा जहन क्या एक्सेप्ट करेगा, और अगर कोई मुझसे कहेगा कि मैं कल वहाँ आऊँगा तो मेरा जहन क्या बोलेगा, मुझे क्या समझाएगा। ये हमें इस माशरे से इसमें रह करके हमें ये चीज़ समझ में आई है कि 1 दिन का मतलब 24 घंटे हैं, है ना, कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि मैं कल आऊँगा तो इसका मतलब आपको पता लग गया ये बहुत ज़्यादा टाइम है, और किसी घर में, ठीक है ना, मेहमान ने आने से पहले फ़ोन कर दिया कि हम लोग बस रस्ते में आ रहे हैं, तो घर वाले फ़ौरन से जो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई जो भी है ना मेहमान नवाजी के लिए जो भी चीज़ें लगानी हैं, जो भी नाश्ता वगैरह अरेंज करना है, शरबत जो भी अरेंज करना है, वो फ़ौरन से उसके पीछे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने क्या कहा है कि हम अभी आ रहे हैं, तो अभी का मतलब बहुत जल्दी है। कोई आपसे अगर बोलेगा कि हम कल आ रहे हैं, उसके लिए नाश्ता उसी टाइम, ये हम कहाँ से सीख रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए। तो जब ये बातें वजूद में आई ना कि 1 मीटर कितना होगा, 1 kg कितना होगा, 1 सेकंड, तो साइंस को इसके बारे में इल्म नहीं था, तो फिर इनके बारे में बताया गया कि भाई 1 मीटर का डिस्टेंस इतना होगा, 1 मीटर जो एक फासला है, ये जो डिस्टेंस है वो इतना होगा, 1 kg जो है भाई फना के बराबर होगा, और 1 सेकंड जो है वो इसके बराबर होगा। तो क्या बताया गया 1 मीटर के बारे में, 1 मीटर के बारे में ये बताया गया कि ये बेटा जो है एक प्लैटिनम एंड इरिडियम एलॉय, एलॉय के माने क्या बोलते हैं, धातुओं का भरत, क्या बोलते हैं, धातुओं का मतलब मेटल, धातु का मतलब क्या होता है, मेटल। तो एक हमारे पास मेटल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, प्लैटिनम और इरिडियम को आपस में क्या करते हैं, हम फ्यूज मिक्स करवाते हैं,
जिस तरीके से घर में भरता बनता है ना, भरता, आलू का भरता, तो उसमें आलू, फिर उसके बाद ज़ीरा, फिर उसके बाद काली मिर्च, फिर उसके बाद प्याज, फिर उसके बाद पता नहीं नमक, फिर उसको लेकर आलू को उबाल के मसाला जाता है, तो फिर उसमें सारे मिक्स हो जाते हैं। फिर उसमें से आप हर चीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं भुरता। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से जो मेटल होते हैं, जो एलॉय होते हैं, उस मेटल के अंदर, उसके मेटल के अंदर क्या होता है, एक स्पेस होता है, खाली स्पेस, उस स्पेस का नाम होता है इंटरस्टीशियल स्पेस। क्या नाम होता है बेटा? क्या नाम होता है? इंटरस्टीशियल, INTERSTI। लिख दें, बहुत मुश्किल वर्ड आ गया है, इंटरस्टीशियल स्पेस। क्या नाम है? इंटरस्टीशियल स्पेस। ये मेटल्स के दरमियान क्या होते हैं? पोर्स, गैप्स होते हैं। तो उस गैप में दूसरा मेटल क्या होने की सलाह रखता है? फ्यूज। तो वो क्या कर लेता है? उसको एलॉय बना लेता है। एलॉय, एलॉय के माने दो मेटल्स या सम टाइम नन मेटल को भी हम ऐड करवाते हैं, उसका मिक्सचर क्या बनाता है? एलॉय। तो क्या बताया गया? इट इज़ अ प्लेटिनियम इरिडियम बार। बार के माने सलाख, एक रॉड, ठीक है। इट इज़ अ प्लेटिनियम इरिडियम बार कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस, जो कि कहाँ रखा हुआ है? पेरिस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। अब वो कैसा है? लेट सपोज कि भाई ये हमारे पास एक मेटल एक रॉड है, सही है? क्या है बेटा ये? सही है, ये क्या है? एक मेटलिक रॉड। ये कहाँ रखा हुआ है? पेरिस के म्यूजियम में, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है? 0 degree centigrade। कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस। ब्यूरो कहते हैं म्यूजियम को, किसको बोलते हैं? तो कोई भी अजूबा चीज़ होती है उसको कहाँ पे रखा जाता है? आपके घर में कोई अजूबा चीज़ होती है तो कहाँ पे रखते हैं? शोकेस में, अलमारी में तो कपड़े रखते हैं ना, तो अजूबा अजूबा कपड़ा पहन दोगे फिर तो जब भी उसको अलमारी में रख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बार है, बार कहते हैं सलाख को। जैसे ये फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास ये मार्कर है ना, इस मार्कर को और लंबा कर देते हैं यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा? एक बार। अगर ये मेटल का बना हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटेलिक बार। क्या बोलेंगे? तो ये हमारे पास क्या? एक मेटेलिक बार है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? इरिडियम एलॉय। और कौन से टेम्परेचर पर रखा हुआ है? तो अगर किसी को एक्चुअली में 1 meter देखना है कि आखिर 1 meter कितना होता है, ठीक है ना, ये जो 1 meter है हमारा, इस 1 meter में या तो क्या होगा 100 centimeter होगा, और 1 centimeter में क्या होते हैं बेटा? 10 millimeter। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद समझेंगे ज़िंदगी भर काम आएगा। बात समझ में आ रही है? अपना अपना स्केल उठा ले सब हाथ में, स्केल बाहर की तरफ निकालें और एक स्केल मुझे दें। थोड़ा कोई स्टील वाला स्केल है किसी के पास? लाइए वाला दीजिए। ये एक स्केल है, ये सबको नज़र आ रहा है, स्केल उठा लो बेटा, ठीक है। अब इसको देखना स्टार्ट करेंगे भाई। इसमें देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 0 centimeter। स्केल को और से देखिएगा, स्केल के यहाँ पे लिखा हुआ 0 centimeter। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बेटा? और स्केल के ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 15 सेंटीमीटर होता है, किसी में 20, किसी में 25 सेंटीमीटर। 1 meter का स्केल कोई भी बैग में लेके नहीं घूम सकता, सही है ना? कि कोचिंग जा रहे हैं, 1 meter का स्केल उठा लिए, ठीक है ना, पता चला स्केल जो है वो अपने से बड़ा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका स्केल है, इसमें पहला जो कैलिब्रेशन किया हुआ है, जो पहला डिवीजन लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, वो कितना लिखा हुआ है बेटा? 0 centimeter। कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है
सी और एम लिखा हुआ होगा, सी फॉर एम फॉर सेंटी, बात समझ में आ रही है। तो पहले क्या लिखा हुआ, जीरो, जीरो के बाद देखें एक बिल्कुल बराबर में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की हुई है, सही है, इस तरीके से, ये है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है, नहीं ये थोड़ी लंबी लाइन होगी, यहाँ पे लिखा होगा ज़ीरो, इसके नीचे छोटा सा लिखा होगा सेंटीमीटर, यह बराबर में लिखा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको, वो ऐसा बच्चा जिसको नहीं दिख रहा हो। फिर उसके बाद सुने आगे, एक ऐसी लाइन खींची हुई होगी इसके बराबर में, है नहीं, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और, कितने हो गए, एक दो तीन चार, फिर पांचवी लाइन बड़ी होगी, है नहीं, फिर उसके बाद एक दो तीन चार, फिर पांचवी लाइन, यहाँ पे लिखा होगा वन, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जो समझा रहा हूँ बेटा पूछूंगा बता दे रहा हूँ, तो कान खोल के और दिमाग को हाजिर नाजिर जान के यहाँ देखना है बोर्ड की तरफ, बात समझ में आ रही है। ये जीरो सेंटीमीटर हो गया, ये वन सेंटी, ये हो गया हमारे पास वन डिवीजन, टू डिवीजन, थ्री डिवीजन, फोर डिवीजन, ये फिफ्थ डिवीजन, ये सिक्स डिवीजन, सेवन एट नाइन टेन डिवीजन, जहाँ पे टेन डिवीजन कंप्लीट हो वहाँ पे हमने क्या लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, टेन मिली मीटर, इसका मतलब ये जो लाइन मैंने खींची है पहली वाली, ये क्या कहलाएगा, वन मिली मीटर, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, यूनिट, यूनिट क्या है, ये क्या है, एट मिलीमीटर, नाइन मिलीमीटर, और ये जहाँ पे टेन मिलीमीटर कंप्लीट हुआ वहाँ पे हमने क्या लिखा, तो इसका मतलब वन सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, बात समझ आ रही है। तो मिलीमीटर छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ये वन मिलीमीटर, तो मिलीमीटर ये रहा, इसका मतलब मिलीमीटर छोटा है और सेंटीमीटर इतना ज़्यादा आगे आने के बाद ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या है, वन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बड़ा है, बात समझ आ रही है, नहीं किसी को मसला, अगर है तो बताइए, बात समझ में आ गई है। तो भाई वन सेंटीमीटर में कितने बेटा, टेन मिलीमीटर हैं, अच्छा टेन मिलीमीटर जो है, टेन मिलीमीटर जो है, टेन मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 0.1 सेंटीमीटर, इस वाले डिवीजन को जिसको हमने क्या बोला था, 1 मिलीमीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो क्या है, टोटल कितने हैं 10, ये 1 है ना, तो ये 1 और टोटल कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा 0.1, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ये पहला वाला कितना है 0.1 सेंटी, ये वाला कितना होगा सेंटी, ये वाला बोलिए बेटा 0., और ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या, यूनिट क्या है, और ये वाला क्या, ये यूनिट, और यहाँ पे आके क्या हो गया, बात समझ में आई। तो मतलब ये वाली जो एक छोटी वाली लाइन है ना, इसको हम 1 मिलीमीटर भी बोल रहे हैं, जब हम यूनिट चेंज करते हैं, जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं, 0.1 सेंटीमीटर, पहले 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे है ना, सेंटीमीटर मैंने बताया बड़ी यूनिट है, और ये वाला पहला वाला ये क्या है, ये मिलीमीटर है, तो ये 1 मिलीमीटर है, क्या ये, और ये क्या है, और इस 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में पढ़ेंगे तो ये कितना होगा, अभी हम कन्वर्जन समझेंगे इस वाले टॉपिक के बाद, तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी आप लोगों को, सही है, यहाँ देखो मसला 2.54, ठीक है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका जो स्केल है ना, उस स्केल में देखिएगा, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे इंच है,
तो एक इंच के बाद जब दूसरे इंच में जा रहे हो तो सेंटीमीटर कितना गिन लीजिए, 2.5 है ना। आगे चले भाई, 1 kg। आगे जो चीज़ हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम आखिर कितना होगा, ये बात तो हम जानते हैं आसानी से कि भाई 1 किलोग्राम जो वो 1000 ग्राम के बराबर है, सही है ना। लेकिन जब साइंस इन्वेंट हो रही थी और जब साइंस तरक्की कर रही थी, या इन द बिगिनिंग ऑफ साइंस, हमें ये नहीं पता था कि 1 kg एक्चुअली में होगा कितना। अभी आपसे कह रहा था 1 पाव, तो आपके दिमाग में आता है कि भाई कम वज़न है। आपसे कह रहा था 1 किलो, तो आपको लगता है कि एवरेज वेट है। आपको याद है कि 50 किलो, तो आपको लगता है ये वज़न बहुत ज़्यादा है। 1 किलो आलू आराम से हाथ में उठा के आप ले आते हैं, 50 किलो आलू आराम से हाथ में उठा के, तो इसका मतलब उसका वज़न क्या है। तो आखिर कैसे पता चला कि 50 किलो ज़्यादा होगा और 1 किलो कम होगा, या 1 किलो आखिर जब वजूद में आया तो 1 किलो आखिर था कितना। तो अगर किसी को 1 kg के बारे में समझना है या 1 kg कितना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा। इट इज़ अ डायमेंशन, इट इज़ अ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन विच इज़ ऑल्सो कैप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस। तो पेरिस ही के म्यूजियम में एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखा गया है ख़ास जिसामत का, स्पेसिफिक डायमेंशन। अगर आपको 1 kg पता लगाना कितना है तो नॉर्मल करियाने की दुकान में जाइए, आप उससे बोले 1 किलो का आपको वेट दिखा देने, जब वो 1 किलो का वेट दिखाएगा तो आपको समझ आएगा 1 किलो इतना होगा। लेकिन उसको कैसे पता चला कि 1 किलो कितना होगा, है ना। तो कोई बताने वाला होगा ना साइंटिस्ट, तो उसने इसकी कैलकुलेशन करी और बताया, एक ख़ास किस्म के जो है ना सिलेंड्रिकल बॉडी बनाई। सिलेंड्रिकल बॉडी कैसी होती है, जैसे ये मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका कैप, ये क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, बात समझ में आ रही है, पाइप सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बात समझ में आ रही है नहीं। तो इट इज़ अ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन विच इज़ कैप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस। तो पेरिस ही के एक म्यूजियम में एक हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखी हुई जिसका मास कितना है, 1 kg, जिसका मास कितना है 1 kg। तो एक्चुअल में अगर आपको वेट देखना है कि पहली मरतबा जब 1 kg वजूद में आया तो वो आखिर कहाँ है और कहाँ रखा हुआ है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पेरिस के म्यूजियम में। अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है आपको कि भाई 1 किलो का हम देख रहे हैं वज़न कितना होता है ना, वरना नॉर्मल मैंने बताया करियाने की दुकान में भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको दिमाग में ये आइडिया नहीं आएगा कि ये, आपको लगेगा ये 1 किलोग्राम है। लेकिन उस आइडिया को समझने के लिए कि आखिर 1 kg जब वजूद में आया तो वो क्या था और कैसा था और कितना था, तो वो कहाँ पर रखा हुआ भाई, के म्यूज़ियम। फिर उसको देख देख के लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट किया, भाई उसी वेट का अगर हम कोई एक सब्सटेंस बनाएंगे तो उसका वज़न कितना होगा, 1 kg होगा। तो मार्केट में जितने भी 1 kg वाले आपके पास वेट मौजूद हैं उसके बराबर है। बात क्लियर हो रही है नहीं, मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में, हाँ टेंशन तो नहीं हो रहा ना, बात समझ में आ गई है। तो 1 kg में जब हम बात करते हैं कि भाई 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और 1 ग्राम में 0.001 kg होता है, कितना होता है, 0.001 kg होता है। ये जब हम इसको यूनिट कन्वर्जन जब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा यूनिट कन्वर्जन, तो हम इस चीज़ को समझेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके तकरीबन पूरे लाइफ में काम आने वाला है हर जगह, क्योंकि मेजरमेंट आप हर जगह कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स में जितने भी इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो a+b का होल स्क्वायर हो, a² + 2ab + b² हो, चाहे वो a+b का होल क्यूब हो, a³ + 3a² + 3ab² + b³, चाहे जितने भी फार्मूलाज हों, चाहे वो इंटीग्रेशन के हों, चाहे वो बायनोमियल थ्योरम के हों, कोई से भी फार्मूलाज हों, वो आपके ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आते। लेकिन मेजरमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कन्वर्जन,
ठीक है ना, एक घंटा है तो सेकंड में कितना होगा, एक मिनट है तो उसमें सेकंड कितने होंगे, एक दिन हो तो उसमें टोटल घंटे कितने होंगे, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, इसके बारे में सवाल आपसे उठ सकता है। लेकिन आपसे ये सवाल मार्केट में नहीं आएगा कि भाई ये फलां चीज़ है इसके ऊपर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा करके बता दो ये क्या होगा, इसमें क्या चेंजिंग आएगी, ऐसा सवाल नहीं आएगा। वो नंबर लेने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये जो बात हम पढ़ रहे हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है, ये आपके दिमाग को तेज़ करेंगे, ये आपको जीनियस बनाएंगी, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो रही बात या नहीं? इसके बाद वन सेकेंड, तो वन सेकेंड जो है एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम है। वन सेकेंड, जैसे मैं भी खड़ा हुआ हूँ, वन सेकेंड निकल गया, बात समझ आ रही है नहीं? अब जैसे मैं यूँ खड़ा हुआ हूँ, मैंने बोला एक घंटा निकल गया, आप मानेंगे? क्योंकि आपको पता है वन सेकेंड कम दोहरानिया है और एक घंटा ज़्यादा है, तो किसने बताया वन सेकेंड कम होता है, आखिर कैसे पता चला वन सेकेंड का दोहरानिया, वन सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना होगा, तो इसके बारे में ये डेफिनेशन बताई गई, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सर्टेन एटम टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन। सर्टेन एटम्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, एटम्स, ठीक है, जिनका एक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से मुराद क्या होता है, लेट अस सपोज एक बॉडी है ये यहाँ से यूँ गई, ठीक है ना, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या गई, वापस, यूँ गई ए पे और ए से कहाँ गई, बी पे वापस, तो ए से बी पे जाना और बी से दोबारा ए पे वापस, मतलब यूँ जाएगी बॉडी और यूँ वापस आएगी, तो इसका एक वाइब्रेशन कम्प्लीट हो गया। तो सर्टेन एटम, ख़ास किस्म के जो एटम होते हैं उनका वाइब्रेशन कम्प्लीट होने का जो दौरानिया होता है वो कितना होता है, वन सेकेंड होता है, तो वहाँ से हमने बताया कि वन सेकेंड इतना होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या जानते हैं, क्या इसमें हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ा लेट अस सपोज क्या है, सेंचुरी, क्या है बेटा, सेंचुरी, सेंचुरी के माने क्या है, सदी, एक सदी, यही है ना सेंचुरी के माने, है कुछ और है, एक सदी मतलब सौ साल, सही है, तो इसके माने क्या है, वन सेंचुरी इज इक्वल टू हंड्रेड एयर्स, ये जो मैं एयर्स लगा रहा हूँ ये क्या है बेटा, इसकी यूनिट, आप लोगों ने नाइन में केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, यूनिट्स, मोल पर डी एम क्यू ए एम यू लगाते हैं ना मुख्तलिफ, तो वो क्या है, वो इसकी यूनिट है। उसी तरीके से फिजिक्स में भी क्या है इसकी, ये सेंचुरी बेटा क्या है, यूनिट, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वन, वन सेंचुरी इज इक्वल टू हंड्रेड एयर्स, अगर ये टू सेंचुरी होता तो ये 200 ईयर्स, थ्री सेंचुरी इज इक्वल टू, बात समझ आ रही है नहीं? अब इसी तरीके से एक साल में वन ईयर इज इक्वल टू, एक साल में, साल से छोटा हम यही बोल सकते हैं कि 12 मंथ्स होते हैं, तो ये क्या है, यूनिट एक साल में, ये भी क्या है, यूनिट मंथ, तो 12 महीने हैं, तो इसका मतलब ये पता चला साल बड़ा है और मंथ छोटा है, तो जो छोटा होता है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, ये छोटा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड मिकदार, इसकी मिकदार ज़्यादा है, ये बड़ा है इसकी इसकी मिकदार कम है, बात समझ आ रही है नहीं? इसी तरीके से वन ईयर जो है आप यही बोल सकते हैं कि एक साल में 365 डेज हो सकते हैं, 365 डेज है ना, ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, यूनिट, आप यही बोल सकते हैं कि वन डे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, बोल सकते हैं नहीं? फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वन आवर में, हाँ, वन आवर में एक घंटे में 60, बोल सकते हैं नहीं? ये क्या यूनिट, ये क्या है, यूनिट है इसकी टाइम की, ये बड़ी यूनिट है, ये उससे छोटी यूनिट है, फिर उसके बाद ये उससे छोटी यूनिट है, फिर मंथ के बाद जो है वो वीक भी आता है, ठीक है, वीक, वीक से छोटा फिर क्या है, डेज, डेज से छोटा फिर क्या है, आवर्स, आवर्स से फिर छोटा क्या है, मिनट, मिनट से छोटा क्या है, जैसे एक मिनट हो, कोई आपसे कहे बस एक मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 60 सेकेंड, तो सेकेंड भी यूनिट है, बात समझ में आ रही है नहीं? तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन, लिख लीजिए इसकी वन सेकेंड की, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सर्टेन एटम टू कम्प्लीट इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सर्टेन एटम टू कम्प्लीट
वन वाइब्रेशन, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय द सर्टेन एटम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय द सर्टेन एटम इज कॉल्ड वन सेकेंड। तो वन किलोग्राम, वन मीटर और वन सेकेंड मैंने आपको समझा दिया, ये बात क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं, सही है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कन्वर्जन, जैसे कि नंबर वन, मेरे पास एक किलोमीटर है, कितना है बेटा? आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये मीटर में कितना होगा, हाउ मैनी शुड बी इन मीटर। पहले बात को और सुनेंगे, सही है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो किलोमीटर क्या है एक, और मीटर भी क्या है, इसमें ये वाले यूनिट कौन सी है और ये वाले यूनिट कौन सी है, कौन सी यूनिट है? तो बड़ी यूनिट से हम किस में जा रहे हैं? जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे, कहाँ से? बड़ी से। तो क्या करते हैं हम, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? किससे? मल्टीपल या सब मल्टीपल से, किससे? अब मल्टीपल या सब मल्टीपल क्या है ये भी हम देख लेंगे। जैसे कि एक किलोमीटर से हम किस में जा रहे हैं? मीटर में। आपको ये पता लगा है कि किलोमीटर बड़ी यूनिट और मीटर क्या है। तो जब भी आप कन्वर्जन करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ जाने का मतलब, बड़े से छोटे में जा रहे हैं या छोटे से, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? किलोमीटर बड़ी यूनिट और मीटर, तो हम बड़ी से कहाँ जा रहे हैं? तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? ये बिल्कुल जहन में अभी याद हो जाना चाहिए, नींद से उठा के भी कोई बोले कि बेटा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते तो क्या करते हैं, तो ये नहीं बोलेंगे रुक जाइए अभी मुँह धो लें उसके बाद कॉपी उठा के देखेंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है ना? बेसाख्ता आपके मुँह से निकलना चाहिए, क्या करते हैं? बात समझ में आया नहीं? फिर उसके बाद अब मल्टीप्लाई करें तो किससे? मल्टीपल या सब मल्टीपल। अब इसका मल्टीपल या सब मल्टीपल क्या होगा? हम किसी भी टर्म से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि हमने यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, या हमने यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, या यहाँ पे हमने जो है ना इसको 100,000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन सा वैल्यू सूटेबल होगा इससे मल्टीप्लाई करने के लिए? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो टर्म लगा हुआ है बेटा किलो, तो ये जो किलो है ना, ये किलो के माने होता है 10^+3। क्या होता है? पॉजिटिव 3। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? 10^+3 से। तो हम इसको 10^+3 को और क्या बोल सकते हैं? 1000। 3 × 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 1 है, ये वाला 1 है बेटा, ये 1 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय किलो। किलो का मल्टीपल है, सब मल्टीपल क्या है? 10^3। यहाँ इसको क्या करेंगे? 1000। तो हमने इसको क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 1000 ही आएगा। तो इसका मतलब एक किलोमीटर में कितने यूनिट मीटर होगा? 1000 मीटर। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2 एग्जाम्पल, 1 मीटर है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितना सेंटीमीटर होगा, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स विल बी इन 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आपको ये बताना है, सही है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ या छोटी से, तो इसको देख के क्या नज़र आ रहा है, बड़ी से
मीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और सेंटीमीटर क्या है, छोटी। तो जब भी बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कॉपी में आप लोग करते हुए ये सब जो ड्राइंग में बनाते जा रहा हूँ वैसे ही बनाते जा रहे हैं, सही है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, अब ये देखना है कि किससे। तो मैंने क्या बताया, मल्टीपलिया मल्टीपलिया, इधर बहुत गौर से देखना है बेटा, सही है। किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपलिया। तो यहाँ पे टर्म क्या लगा हुआ है, सेंटी, क्या लगा हुआ है, तो वन, ये जो सेंटी है ना, इसके नॉर्मल मायने होते हैं 10^-, क्या मायने होते हैं बेटा, 10^-, अगर मैं यहाँ पे 10^-2 लगा दूँ, ये वाला वन है, ये वाला वन, वैसे ही ना मल्टीप्लाई, सही है, 10^-2 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन यहाँ पे जो पावर लगा वो क्या लगा हुआ, माइनस का। तो जब माइनस का पावर होता है तो उसके माने क्या है, 1 exponent -2 है ना, तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 1 ऊपर वैसे ही छोड़ दिया मैंने, exponent -2 नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, +2। तो इसका मतलब एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या हो रहा है, डिवाइड। बात समझ में आ रही है नहीं। तो हालांकि सेंटी के माने क्या है, -2, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें डिवाइड नहीं करवाना बल्कि क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही माइनस साइन हटेगा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 1 meter में 1 exponent +2 सेंटीमीटर होते हैं, या हम ये बोलेंगे कि भाई 10^+2 का मतलब क्या होता है, 100 centimeter। तो 1 meter में कितने सेंटीमीटर बने, 100 centimeter। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या नहीं समझ में आया। मैंने बताया 1 centimeter में 1 centi के माने क्या होता है, 10^-, तो 10^-2 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 1 exponent +2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक है एक्स, एक है वाई, ठीक है, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाई ले गया नीचे एक्स, y के ऊपर पावर भी क्या है, +1, x के ऊपर पावर क्या, पॉजिटिव। जब y ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, और जब x नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो जब हम फ्रैक्शन में तब्दीली करते हैं, न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में लेके जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लाते हैं, तो साइन हम पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था 10^-2, क्या लिखा हुआ था, 10^-2, तो ये 10^-2 जो है, हालांकि क्या है, हमें मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिवाइड। 1 exponent 2 के माने क्या हो गए, डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाने के लिए वहां से हमने माइनस साइन को क्या करवा दिया, हटा दिया। अब ये 10^+2 है, अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 10^+2 के माने क्या होता है, 100, इसका मतलब 1 meter में कितने हैं, 100 centimeter है। आई बात समझ में, ये नहीं आया समझ में, इसी तरीके से एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास थाउजेंड मीटर है, क्या है, और आपसे पूछ रहे सेंटीमीटर में कितना होगा, क्या पूछ रहे हैं, कितना मीटर है, कितना मीटर है, और कन्वर्ट किस में करना है, सबसे पहले क्या देखेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, किससे करेंगे, मल्टीपल, या वो बाद में पता लगेगा कि 100 से करना है या 1000 से या 10 से। आई बात समझ में, अब 100 मीटर है, हमें सेंटीमीटर में लेके जाना है। मैंने आपको क्या बताया कि सेंटी के माने क्या है, 10^-, अगर हम 10^-2 से हमें करना क्या, मल्टीप्लाई। अगर 10^-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे तो मल्टीप्लाई, लेकिन हो क्या जाएगा, ड्यू टू द
माइनस साइन, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन क्या करवा देंगे, हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला वन है ना बेटा, यहाँ पे वन हो, यहाँ पे टू हो, यहाँ पे फाइव हो, यहाँ पे हंड्रेड हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे वैसे ही लिखा जाता है। फर्स्ट कह लेते हैं यहाँ पे फाइव है, मैंने यहाँ पे फाइव वैसे का वैसे ही लिख दिया, सही है। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अब किससे करेंगे, टेन की पावर, या यूं भी ले सकते हैं फाइव, टेन की पावर पॉजिटिव टू का मतलब, तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर, अच्छा 5000 है, तो ये 5000 पूरा आ जाएगा यहाँ पे, सही है। फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई क्या था, 100, कितना हो जाएगा, 20 और लग जाएंगे, सही है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। आई बात साइन में या नहीं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास फिफ्टी मिलीमीटर है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में कितना होगा, सही है, कितना है 50 मिलीमीटर है, क्या पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में, सही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, छोटे से बड़े में, छोटे से ये कौन सी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी, और सेंटीमीटर क्या है, बड़ी यूनिट। तो छोटे से जब भी बड़े में जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड, क्या याद रखेंगे, जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, किससे करते हैं, वही बात, मल्टीपल या सब मल्टीपल से क्या कर देंगे इसको। 50 मिलीमीटर है, वहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, तो हम ये जानते हैं कि 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, कि भाई 10 मिलीमीटर किसके बराबर है, 50 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के, सही है। तो हम क्या करेंगे, 50 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, 50 डिवाइड बाई 100 करें तो क्या आंसर आ रहा है, 10 से, सॉरी क्या करेंगे, क्योंकि 10 मिलीमीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। बड़े से छोटे में आ जाए तो क्या करते हैं, डिवाइड, तो किससे डिवाइड होगा, ये 10 से, 50 डिवाइड बाई 10, ये 0 और ये 0 क्या हो गया, ऊपर क्या बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है, आगे चले, अब जैसे कि एक दिन है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कितने सेकंड होंगे, तो दिन बड़ा है या सेकंड, और सेकंड क्या है, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, बड़े से छोटे में आते तो क्या करते हैं, एक दिन में कितने सेकंड, तो ये वन डे, तो ये वाला वन है, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, मैंने आपको बता दिया, यहाँ जो भी होगा उसको वैसे ही, हर दिन में, दिन से छोटा क्या होता है, आर्स, तो यहाँ पे जाएगा हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में
24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो भी आंसर आएगा वो किस में रहेगा? एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, सेकंड से छोटा नहीं है तो हम यहाँ पे सेकंड पे ला के रोक देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। हाँ बेटा ऐसे ही वो वर्डिंग में बता दीजिए, डिजिट जो है 86 सही है। आगे बात समझ में ये, इसी तरीके से एक और है कि वन वीक में, एक हफ्ते में कितने मिनट्स होंगे? एक हफ्ते में तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब ज़रा देखिएगा, ये वाला वन है, ये वैसे ही आ गया। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बड़े से छोटे की तरफ जा रहे, तो डायरेक्ट छोटे की तरफ नहीं चलेंगे कि एक वीक है, वीक से डायरेक्ट सेकंड में चले गए। वीक से छोटा क्या है? दिन। तो एक हफ्ते में फिर दिन से छोटा क्या है? सही है, एक हफ्ते में 7 दिन, और हर दिन में, और हर घंटे में, और हर मिनट में, मिनट तक जाना था तो मिनट तक लाके छोड़ देंगे। एक दिन में, एक हफ्ते में 7 दिन, और हर दिन में 24 घंटे, और हर घंटे में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आंसर? 100 या आ गया मिनट्स में। आ रही बात समझ में? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट कर लीजिए, आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आर, आपको इसमें इसको कह रहे हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें कन्वर्ट कर दीजिए 72 किलोमीटर, इसमें चेंज कर दीजिए मीटर पर, मीटर पर सेकंड जो वो स्पीड की यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आया नहीं। 72 किलोमीटर पर आर जाना किसमें है? किलोमीटर बढ़ा या मीटर? आर बढ़ा या सेकंड? तो बड़े से कहाँ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? 72 किलोमीटर, तो ये वाला 72 तो वैसे ही किलोमीटर मल्टीप्लाई करना है, तो किलो के माने क्या होता है बेटा? 10,000 ना, 1,000 72। अब ये फ्रैक्शन का साइन है, नीचे फ्रैक्शन का साइन लगा दिया हमने, नीचे क्या है? आर, पर आर, पर आर के माने एक घंटा, पर आर के माने, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? हम लोग जाने गए हैं, ये कहाँ पर आ गए? एक घंटे में कितने मिनट, और हर मिनट में आगे सेकंड में, तो किलोमीटर से मीटर में आ गए, और आर से सेकंड में आ गए। तो अब ये क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 72,000, और नीचे क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा 3600। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर बचा 72 जीरो, और नीचे क्या होगा, 36, तो 36 वन था, 36 टू द 72, ये वाला जीरो बचा हुआ, ये यहाँ लगा देंगे, तो कितना बचा? 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, 72 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, वो कितना बना? 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? ये बना के बताएं मुझे आप लोग। फिफ्टी सिक्स किलोमीटर पर आर ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा? ये जो सारा मैं बना रहा था आप लोग कॉपी कर रहे थे ना साथ साथ, अपना अपना करो बेटा जब से एकदम।
56 किलोमीटर पर आ रहे हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जल्दी से करके बताइए, 10 तक गिनती गिन रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई छुपे ना छुपे, हम आ रहे हैं। हो गया भाई, क्या है आंसर? जो भी आए बताइए कितना आ रहे हैं। कितना है? 7। फिफ्टीन पॉइंट फाइव हर गई आ रहा है। पहले 56 को क्या किया? मल्टीप्लाई भाई, फिर डिवाइड किससे किया? यही क्या ना, जो भी आंसर आएगा वो होगा मीटर पर सेकंड में। सही है, ये बात समझ में आ गई? कन्वर्जन समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये ज़रूरी है या नहीं ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए? अब मैं कुछ कन्वर्जन आपको दे रहा हूँ, टाइम कितना हो रहा है? पीछे से ले लेंगे कैलकुलेटर, 5 मिनट है। कैलकुलेटर नहीं, अभी रुक जाइए, जेब से निकाल के दे रहे हैं। अब कैलकुलेटर कल होगा सबके पास, ठीक है? कल की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। अब ये देखिएगा इधर, ये आपका होमवर्क है। ये 5 कन्वर्जन आपको घर से करने हैं, इसको लिख लें, 1 2 3 4 5। कल मैं आपके पहले कन्वर्जन चेक करूँगा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट होने के बाद जब वो ख़त्म होगा, फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा, ताकि फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कल की टाइमिंग आपकी 4:30 से लेके 7 बजे तक की है।